डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक यस मुझे पता है आप पार्ट टू के लिए इंतजार कर रहे हैं किसके लिए एम पी असिस्टेंट प्रोफेसर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर पॉलिटिकल साइंस की पेपर जिसका पार्ट वन मैंने एक दिन पहले ही एनालाइज किया था तो ये रहा पार्ट टू जिसमें कि सेवेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन से लेकर वन फिफ्टी तक के लगभग सेवेंटी फाइव क्वेश्चन करेंगे डिस्कस तो चलिए बिना किसी भूमिका के लिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो मेरे कई स्टूडेंट चूंकि ये मेल मुझे भेज रहे हैं लगातार इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और काउंसलिंग नेट जे आर एफ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर साइकिल के लिए आप लोगों ने इसको पॉपुलर बनाया है इस सीरीज को क्योंकि आपको पता है कि इसमें क्या वैल्यू है और क्या एक ब्यूटीफुल जर्नी का पार्ट बनते हैं और ये आल्सो यूजफुल होता है मैं हमेशा कहता हूँ सेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आर पी एस सी एस एस बी पी जी टी सबके लिए अब तो पीएचडी के लिए तो यही एक टेस्ट रह गया है तो आप यदि इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप बहुत उत्सुक हैं कि ये कब से शुरू होगा मैं इसलिए इसको शुरू नहीं कर पा रहा हूँ मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि लेट द फर्स्ट जून साइकिल खत्म हो जाए और उसके बाद हम लोग इसको जल्द ही इसके डेट को डिसाइड करेंगे और यू डोंट वरी हम लोग बिल्कुल सिलेबस पूरा करेंगे सारे थीम के क्वेश्चन इसमें रहेंगे और बहुत जल्द मैं इसकी घोषणा करूंगा डेट अभी मैं नहीं बता रहा हूं बट जस्ट वेट सो लेट अस बिगिन बाय 77 यदि आप इसके पार्ट वन को आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए वहां पे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दी गई है वहां पे 76 तक जो क्वेश्चन था हम लोगों ने एम असिस्टेंट प्रोफेसर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर पॉलिटिकल साइंस का देखा था ट्वेंटी सेवेंटी सेवन से चलिए इस पार्ट में करते हैं शुरू इससे पहले कि चलिए इस पार्ट को भी मैं बयाँ करूं और एक्सप्लेन करूं कुछ ऑब्जर्वेशन जो कंटिन्यूड है पार्ट वन का ये बेहद ही उट पटांग टाइप ऑफ पेपर है इसमें जान बूझ के जिसको मैं कहता हूं कि स्टूडेंट को परेशान करने के लिए फिल्टर करने के लिए आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हो जिसका बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस होता नहीं है लेकिन फिर भी काफी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अच्छे हैं आ, कुछ स्टार क्वेश्चन भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि जनरली पूछे जाना चाहिए लेकिन इसमें जिस जितने ज्यादा क्वांटिटी में अर्बिट और उत्पटांग क्वेश्चन भरे गए हैं वो इस पेपर को वो आरपीएससी टाइप की बना देता है दिस इज नॉट ए गुड थिंग नॉट एट ऑल ओके

ब्रेड इन ब्रेड एंड बटर क्वेश्चन कर सकते हो कि ये बेसिकली ये कहता है कि डेविड स्टन जो है उन्होंने बहुत फेमसली जब उन्होंने बिहेवियरलिज्म को एक तरह से प्रोपाउंड किया था कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो डिक्लाइन है नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल थ्योरी एज सच जो है जो ज्यादा फिलोसफिकल और नॉर्मेटिव होता है उसका जो डिक्लाइन है वो उसके लिए कुछ फैक्टर जिम्मेदार है ऑफकोर्स पॉजिटिविज्म और बिहेवियरिज्म तो जिम्मेदार हैं ही लेकिन हिस्टोरिसिज्म मतलब हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म मतलब हिस्ट्री से गाइडेड होकर के जो थ्योरी बनती है एक ग्रैंड नैरेटिव से वो मोरल रिलेटिविज्म जो इस क्वेश्चन में पूछा है इसका माने कि मतलब हर समाज या हर कम्युनिटी की जो मॉरलिटी है उसका स्टैंडर्ड कॉन्टेक्चुअल है वो यूनिवर्सल मॉरल स्टैंडर्ड पूरे समाज या पूरे दुनिया के ह्यूमैनिटी पे हम नहीं थोप सकते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है जिसको मोरल रिलेटिविज्म ये भी उनके अनुसार से डिक्लाइन का है क्योंकि जब तक कि आप एक यूनिवर्सल मॉरल स्टैंडर्ड को नहीं एक्सेप्ट करोगे तो आप थ्योरी किस लिए बनाओगे यदि कहीं पे भी कोई चीज एप्लीकेबल ही नहीं है तो फिर प्लाटो की आइडियल स्टेट कोई को बोलेगा ग्रीक छोड़ करके ग्रीक एंशियंट सोसाइटी uh, छोड़ के कहीं उसकी उपयोगिता ही नहीं है तो फिर थ्योरी का मायने क्या है थ्योरी का मतलब ही होता है जो मोरल रिलेटिविज्म को काटे और यूनिवर्सली टाइम और स्पेस में जो है ट्रांसेंड करे हर समाज हर टाइम में एप्लीकेबल हो तो मोरल रिलेटिविज्म भी एक कारण है और फैक्चुलाइजेशन uh, तो मतलब हाइपर फैक्चुलाइजेशन मतलब उट एनी रिलिवेंसा रहे हैं लाइक दैट सो डेविड स्टन हुग द फॉलोइंग वॉज नॉट द चेयरपर्सन मेंबर ऑफ द स्टेट रियोग्नेशन कमीशन कंस्टिट्यूटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइनटीन फिफ्टी थ्री जो एसआरसी थी स्टेट रियोग्नेशन कमीशन उसके चेयर पर्सन जो है फैजल अली थे इसलिए इसको फैजल अली कमेटी कहते हैं और इनके जो मेंबर थे वो एच एम कुंजरू और पनीकर थे ये बहुत फेमस क्वेश्चन है अब ये बहुत घिसा बिटा क्वेश्चन हो गया तो इनको ये नहीं थे जीपी सिंह तो ये अपने आप में एक इंफॉर्मेशन भी दे रहा है आगे के एग्जाम के लिए कि एस आर सी के, के तीन मेंबर थे फजल अली एच एन कुंजरू और के एम पनीकर हु हैज द और इसी बेसिस पे नाइनटीन में जो है 14 स्टेट और 6 यूटी जो है बनता है और स्टेट रियोगनाइज होते हैं उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ए बी सी डी करके स्टेट थे चार तरह के स्टेट ये बदल जाते हैं 14 स्टेट और 6 यूटी में 1956 सेवेंथ अमेंडमेंट ये भी ध्यान रखिएगा उसी से ये सब लाए जाते हैं हु हैज द पावर टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड फॉर एनी अदर पर्पज ये एक स्टार क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है आपको लगेगा करें सुप्रीम कोर्ट भी लाता है और हाई कोर्ट भी तो एक ही ऑप्शन कैसे एक ही ऑप्शन सही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के लिए रिट जारी कर सकता है जबकि फॉर एनी अदर पर्पज कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट के लिए हाई कोर्ट ही कर सकता है इसलिए यदि ये लिख दिया गया है एंड फॉर एनी अदर पर्पज देन द राइट आंसर इज द हाई कोर्ट वेरी गुड हाई कोर्ट जो है 226 के तहत ये पावर रखता है और सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के लिए आर्टिकल 32 के तहत कैन दैनिस स्टेट लेजिस्लेटिव वीडियो में भी कहा था यदि इस टाइप का हो कि किसके पास पावर है तो केवल पार्लियामेंट बाय लॉ पार्लियामेंट बाय लॉ सो पार्लियामेंट बाय लॉ एज पर आर्टिकल कितना 171 चेक कर लीजिएगा उस आर्टिकल के तहत यह है कि यदि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इस तरह के रिजोल्यूशन को टू थाउजेंड मेजरी से पास करती है तो पार्लियामेंट बाई लॉ कैन क्रिएट और एबोलिस लेजिस्लेटिव काउंसिल Which of the following amendment of the constitution for the first time made it obligatory for the president to act on the advice of the council of ministers? This is star question, but it is a repeated question. Hai, 42nd Amendment. 42nd Amendment, se pehle, article jo 74 tha, wo aise likha hua tha. There shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president in the exercise of his function. अब आप देखिए इसमें कितनी लिबर्टी थी प्रेसिडेंट को यहां कुछ भी लिखा गया है कि उस एड एंड एडवाइस से प्रेसिडेंट बिल्कुल हाथ पांव बिल्कुल बंधे हुए हैं इसको इंदिरा गांधी के रेजीम में 74 फोर फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट से चेंज करके ये कर दिया गया देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट अब यहां देखिए चेंज हो जाता है हु शैल शैल मतलब कि बंध गया इन द एक्सरसाइज ऑफ इस फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस मतलब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको करना ही करना है एंड उसके बाद के जो चीजें पढ़ लीजिएगा कुछ कुछ कंडीशन है तो ये सब पढ़ लेना चाहिए ये पढ़ लीजिए मैं लेकिन लेकिन इन जो फर्क है समझिए कैसे जो है प्रेसिडेंट के हाथ पांव को बांध दिए गए और पहले कितना वो वेग था कितनी डिस्क्रिप्शन थी उनमें तो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन को कम कर दिया गया फोर्टी सेकेंड एम एम एमोंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी ये सब भी बहुत ही घिसा पिटा लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी होता क्या है पहले ये समझिए जहां पे कि समाज इस टाइप से बटा होता है कि कोई मेजोरिटी कोई माइनॉरिटी नहीं है मतलब एकदम बराबर की टक्कर है जैसे 60 40 55 मान लीजिए किसी कंट्री में से बेल्जियम में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग जो है वो मान लीजिए फिफ्टी फाइव है तो ऐसे में बड़ी मुश्किल है जब तक कि पावर शेयरिंग ना हो तो जब एक ऐसा मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी जिसमें कम्युनिटी जो जो कि दोनों ही काफी पावरफुल होते हैं या मल्टीपल वो आपस में पावर शेयर करते हैं कोई मेजोरिटेरियनिज्म नहीं हो सकती है जहां 80 20 टाइप की नहीं है तो वहां पे कंसोसिएशनल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी चल सकता है एक तरह का दोनों को वीटो होती है ना आप मेरे एगेंस में कुछ कर सकते हो ना हम दोनों कंसेंसस से ही चल सकती है तो बेल्जियम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सच कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी साउथ अफ्रीका भी और कुछ और कंट्री भी इसके लिए जो एक थिंकर काफी ज्यादा जाने जाते हैं वो आर एन लिजफाट हैं Uh, के दिन नाम तो आर एन ने इस पर काफी काम किया है तो इसको याद कर लीजिए वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एटी फाइव पर रहा हूं विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स मोर फोकस ऑन ग्रुप पार्टिसिपेशन एंड वॉइस फॉर माइनॉरिटी देखिए जैसे ही ग्रुप पार्टिसिपेशन की बात आए वहां पे आप पॉलिर्ची को याद कीजिए क्योंकि गाइडेड डेमोक्रेसी एब्सल्यूट डेमोक्रेसी कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी तो खैर आपने देखा कि वो माइनॉरिटी वाली कोई बात ही नहीं है वहाँ पे तो पावर शेयरिंग होती है दोनों ही स्ट्रांग हैं इसलिए पॉलीआर्ची होगी पॉलीआर्ची के जो कॉन्सेप्ट देने वाले थे रॉबर्ट टहल पॉलीआर्ची ये है जहाँ पे कि मल्टीपल ग्रुप या कम्युनिटी में पावर जो है कंट्री में डिवाइडेड होती है जैसे यूएसए में है और वहां पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको भी से uh, होता है हर कम्युनिटी को से होती है गवर्नेंस में और इंडिविजुअल जो है वो डायरेक्टली भी स्टेट से जुड़ता है थ्रू फ्रेंचाइज uh, या वोट और अपने ग्रुप के थ्रू भी अपनी पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंटेशन देता है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड अब ये यहां से खोज के उन्होंने निकाला है जैसे लोटस एंड डायगर टाइप की जो क्वेश्चन और से होती है उसी तरह न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड एक सीरीज ऑफ आर्टिकल औरबिंदो लिखते थे किस मैगजीन में लिखते थे उस मैगजीन का नाम था इंदू प्रकाश ये सब तो चलिए ठीक है इट नॉट ए बैड क्वेश्चन बट वेरी डिफिकल्टी आप लेकिन आगे यदि पूछा जाए तो आप मुस्कुरा सकते हैं इसके बारे में न्यू लैम्प फॉर ओल्ड के बारे में और पढ़ लीजिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एरिस्टॉटल ये बड़ा ही इतना वेग है फर्स्ट स्टेटमेंट इज सो वेग एरिस्टॉटल ड्रॉज ए स्ट्रेट कोरिलेशन बिटवीन जस्टिस एंड इक्वलिटी

बिकॉज इसी को प्रोपोर्शनल इक्वालिटी वो कहते हैं कि अन इक्वल शुड बी ट्रीटेड अन इक्वली इन इक्वलिटी इज नॉट फॉर ऑल पीपल बट ओनली फॉर अन इक्वल पीपल यस अन इक्वल ओनली शुड बी ट्रीटेड इन अनईक्वली सो इन माई व्यू ओनली स्टेटमेंट टू इज करेक्ट बट आई डोंट नो ऑफिशियल आंसर ये क्या देते हैं यदि ये वन और टू देते हैं तो बिल्कुल गलत होगा मेरे अनुसार से ये क्वेश्चन वैसे तो मैं छोड़ देता लेकिन मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है कि जो ट्राइब और उनके घर और उनके जीवन के बारे में इसलिए मैंने थोड़ा पता करने की कोशिश मुझे भी पता नहीं था कि भील जो लार्जेस्ट ट्राइब कम्युनिटी है मध्य प्रदेश में उसके घर को क्या कहते हैं? उनके घर का एक स्पेसिफिक नेम है कू कहते हैं। शायद वो उस तरह से पुकारते होंगे अपने घर को कू। 87. Who among the following pointed out that Plato did not grant the freedom of choice to the individual, which was an inalienable human right? ये कौन बोलेगा कैसा नहीं है? इस चीज को यदि इस स्टेटमेंट को समझे कि प्लेटो ने जिस टाइप की स्टेट की परिकल्पना की थी वो एक तरह का यूटोपिक और बहुत ही कसा हुआ स्टेट था जिसमें कि इंडिविजुअल के लिए तो कोई लिबर्टी है ही नहीं एक तरह का क्योंकि इंडिविजुअल को एक एजुकेशन लेना है जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है और उसकी एबिलिटी जैसी होगी वैसे ही उसको क्लास मिलेगा उसके बाद फिर उसका कोई आगे नहीं क्लास चेंज नहीं हो सकता है इसके अलावा वो यदि वो गार्जियन क्लास में फॉल करता है तो उसको कोई फैमिली और प्रॉपर्टी रखने तक की जो है इजाजत नहीं है तो ह्यूमन लिबर्टी तो उसमें दिखता नहीं इंडिविजुअल लिबर्टी नहीं दिखती इस टाइप की बात जो है कहने वाले जो हैं, इन सब में या बर्लिन ज्यादा है अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ मैं जो खोज पाया हूँ उसमें मुझे इसे बर्डिन मिला है लेकिन इन सब का क्या वो आंसर देते हैं आई डोंट नो यहाँ चूंकि रॉबर्ट निस्बट का है जो कि काफी छिपे हुए थिंकर हैं तो इनकी जो बुक है द क्वेस्ट फॉर कम्युनिटी एक बार याद कर लीजिए इसके थ्रू जब भी मैं कोई एक बुक देता हूँ डियर स्टूडेंट तो आप नेट पर जाके और बुक जरूर उस थिंकर का देख लीजिए मैं सबसे पॉपुलर बुक यहाँ पे दे देता हूँ क्विंटन स्किनर जो कि हिस्टोरिकल एक तरह से फिलोसफिकल जान जाते हैं और टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन को

डिस्टिंक्शन बिटवीन मैनिफेस्ट फंक्शन एंड लेटिन फंक्शन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आगे आपको यूज हो सकता है रॉबर्ट के मैटन जो है एक बहुत ही फेमस सोशियोलॉजिस्ट है अमेरिका के और उन्होंने जो है ये कहा था कि जो एक फंक्शनलिज्म के कॉन्सेप्ट को उन्होंने आगे बढ़ाया था फंक्शनलिज्म क्या होता है कि सोसाइटी में जो सोशल स्ट्रक्चर होते हैं दे आर क्रिएटेड एंड मेंटेन फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म आपका उसी से निकला है तो जैसे मान लीजिए कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसका काम क्या है उसका काम एजुकेशन है तो ये उसका मैनिफेस्ट फंक्शन है जो कि सब लोग को पता है कि ये उसका फंक्शन है लेकिन कई बार यदि आप देखें कि यदि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या करता है कि लोगों को सोशल सर्विस भी देने लगता है मान लीजिए गुजरात समाज है और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाती है तो पता लगा बाद में वो अपने एजुकेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में गरीब लोगों को जो है शरण भी दे रही है विस्थापितों को रख रह रही है खाना खिला रही है या पॉलिटिकल कैंपेन कर रही है तो वो उसका लेटेंट फंक्शन हो जाता है मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या सोशल स्ट्रक्चर का वैसा फंक्शन जो एकदम सामने है जो एक्सप्रेस्ड है वो मैनिफेस्ट फंक्शन है और जो ऐसा जो कि आ, एक्चुअली लोगों को पता नहीं कि ये काम ये करता है लेकिन वो भी वो करने की कोशिश करता है वो रिटर्न फंक्शन है मतलब कि एक तरह का वेगनेस यदि उसके फंक्शन में हो जो छिपा हुआ फंक्शन हो रॉबर्ट के मैन हु फॉलोइंग ऑथर्स क्रिटिसाइज द हिस्टोरिसिजम ऑफ कार्ल मार्क्स इन हिज एस हिस्टोरिकल इनबेटिबिलिटी अब ये तो आ, मतलब कि बहुत ही डिफिकल्ट ये क्वेश्चन बन सकता है लेकिन फॉर्चुनेटली नेट पे इसका जवाब है कि ऐसा बर्लिन ने जो है ऐसा कहा था चलिए आप लेकिन ये सब बहुत ही डिफिकल्ट है यहाँ लेकिन जो जानने की जरूरत ये है कि हिस्टोरिसिज्म दूसरी बार इसी पेपर में आ रहा है मतलब हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म आप कार्ल मार्क्स का यदि आप देखेंगे जो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म है वो क्या है बेसिकली कि पूरे हिस्ट्री का वो एक थ्योरी बनाते हैं कि ऐसा हिस्टोरिकल समाज में इस टाइप के क्लास स्ट्रगल से और मोड ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने से क्लास स्ट्रक्चर चेंज हुआ और क्लास स्ट्रक्चर के चेंज होने से जो है पूरी हिस्ट्री चेंज होती है इस टाइप का वो हिस्टोरिकली एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में एक पॉलिटिकल थ्योरी बनाते हैं और एक ग्रैंड नैरेटिव देते हैं इसी को हिस्टोरिसिज्म कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन आप बताया क्वान्टिटेटिव साइकोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल पोलिटिकल कल्चर अप्रोच पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच सब मॉडर्न है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को ये कहना कि ये ट्रेडिशनल अप्रोच है ये सही नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल में न्यू इंस्टीट्यूशनल भी आता है लेकिन यदि इसको आप ओल्ड इंस्टीट्यूशनल मानते हैं तो फिर ये क्वेश्चन सही है बी According to John Rawls, a conception of justice cannot be deduced from self evident premises. Self evident premises mm -hmm. or conditions on or uh, conditions on principle. Instead its justification is a matter of mutual support of many considered actions, of everything fitting together into a coherent view. अब ये तो जो भी कहना चाहें लेकिन ये बेसिकली ये रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम को डिफाइन करता है रिफ्लेक्टिव 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 इक्विलिब्रियम मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है हम कैसे समझते हैं कि न्याय क्या है जस्टिस क्या है एक तो बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि ये करना चाहिए ये ये न्याय है ये अन्याय है, है मान लीजिए गरीब कोई है और वो मान लीजिए भूखा है और वो भीख मांग रहा है तो ये न्याय है कि उसको कुछ पैसे देने चाहिए मतलब कोई मान लीजिए कि खून से लथपथ है सड़क पे गिरा हुआ है तो न्याय है कि आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए किसी दूसरे को जो है मतलब हानि नहीं पहुंचानी चाहिए या अन्याय है कि बिना किसी बात के किसी को सताया जाए इस टाइप की चीज़ें हम लोग ये तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है या कह लीजिए कि सेल्फ एविडेंट प्रेमिसेज है लेकिन कई बार जो है ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे कि हमको लगता है कि ये न्याय है या न्याय है कई बार आपको दिखता है कि जो जो चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं कि ये नहीं करना चाहिए वो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े नेता बड़े बड़े ऑफिसर करते हैं और उनको समाज में पूजा जाता है और वो गलत करते हुए पाए जाते हैं तो आपके आपको ये कन्फ्यूजन होती है डिजर्नेंस पैदा होता है कि क्या है न्याय या क्या है कोई भी चीज मतलब क्या है मॉरलिटी क्या है इमोरलिटी इस टाइप के जो क्वेश्चन है तो उसको कैसे हम रिकनसाइल करते हैं दैट प्रोसेस इज रिफ्लेक्टिव इकलिबरियम अब इससे आगे मैं आपको नहीं बोल रहा हूं उस पर काफी कुछ कह सकता हूं लेकिन पढ़ लीजिएगा रिफ्लेक्टिव क्लू मतलब किस तरीके से हम रिकनसाइल करते हैं किसी आइडिया को समझने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिनोनिम ऑफ थ्योरी क्या सिनोनिम आई डोंट नो ये कुछ डेफिनेशन देने की उन्होंने कोशिश किया है इसको सिनोनिम कहते हैं ए प्लॉजिबल और साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल जनरल प्रिंसिपल और बॉडी और प्रिंसिपल ऑफर टू एक्सप्लेन पॉलिटिकल फिनोमेना या फिनोमेना ठीक है ये, ये सब चीजें जो हैं उतना अच्छा नहीं है इट इज नॉट सेट ऑफ सेट ऑफ हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस और थ्योरी में फर्क ये है कि हाइपोथेसिस जब टेस्ट करके और वो पास हो जाता है तो थ्योरी में कन्वर्ट हो सकता है इन द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पूरा ही याद कर लो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग रिपोर्टिंग एंड बजटिंग तो उस तरह आप भी याद कर लो इसे मुझे याद है सीओ स्टैंड फॉर कोडिनेटिंग एंड ओ स्टैंड यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग द मोस्ट वाइडली नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मॉडल इज नोन एज तो ब्यूरोक्रेसी से बड़ा कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मॉडल है नहीं कोई भी जो स्ट्रक्चर फॉर्मल मॉडर्न समाज में जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज ब्यूरोक्रेसी ध्यान रखिएगा ब्यूरोक्रेसी इज नॉट ओनली इन गवर्नमेंट इट इज ऑल्सो इन प्राइवेट सेक्टर बड़े बड़े जो एम एनसीज में ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट से भी कॉम्प्लेक्स होती है यहाँ लूथर गुलिक का नाम आया है तो इन्होंने पेपर ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाम के बुक में जो कि उर्विक भी इनके साथ में थे एडिट करने में उन्होंने पोस्ट कॉप का कॉन्सेप्ट दिया द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन साइंड इन डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट क्या है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मेटर्निटी लीव पंचायती राज लाएंगे ये करेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वर्कर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन देंगे जितनी भी वेलफेयर स्टेट की जो परिकल्पना है राइट टू लाइवलीहुड देंगे राइट टू एजुकेशन देंगे सब जो है डीपीएसपी में लिखी हुई है तो आप यदि देखेंगे कि फंडामेंटल राइट right की जो पार्ट है वो हमें एक टिपिकल लिबरल स्टेट बनाता है और डीपीएसपी का पार्ट हमें वेलफेयर स्टेट बनाता है सोशलिस्ट स्टेट बनाता है और जो इंदिरा गांधी और नेहरू जी के टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में जो टसल थी दैट वाज कि इंडिया को ज्यादा लिबरल स्टेट होना चाहिए वेस्टर्न मॉडल पे या या यान मॉडल पे जो है ज्यादा सोशलिस्ट स्टेट होना चाहिए इसकी लड़ाई थी विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द दूस ऑफ इंडिया प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन ये सब जो है इसको आप क्या कह सकते हो लड्डू टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब जैसे हो तो मरुस्थल में आपको अचानक जो है वो मिराज सॉरी आपको जो है पानी मिल जाता है मरुस्थल में जिसको आप क्या कहते हो हिंदी में क्या कह सकते हो इंग्लिश yeah. में तो ओएसिस कहते हैं मतलब मरुस्थल में आपको ऐसे तालाब मिल जाए उस टाइप की बात है कि ऐसे क्वेश्चन के बीच में मिल जाए कि टेंथ शेड्यूल जो है वो उसमें एंटी डिफेक्शन है लाइक like दैट ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है अंडर हु चेयरमैनशिप डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टीट्यूटिव वर्किंग ग्रुप इन जनवरी 1997 टू ड्राफ्ट द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल अब एक टफ आ जाता है एक जस्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इनका नाम था एच डी इन्हीं के बेटे जो है अरुण शौरी थे जो मंत्री बने ये बहुत बड़े पत्रकार थे उनके बेटे भी पत्रकार थे और ये इन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल 2003 में आई थी उसकी एक तरह से डेथ हो गई उसके बाद उसको फेंक दिया गया और फिर जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दो साल बाद आती है दैट वाज अ वेरी वीक एक्ट जो इन कंपेरिजन टू आरटीआई वॉट वॉज द प्राइमरी सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट फॉर इंडिया ज्यूरिंग कोल्ड वॉर ये तो आप कॉमन सेंस से समझ सकते हो सबसे बड़ा स्टेटमेंट सबसे सही स्टेटमेंट द मूवमेंट अलाउड इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजन एंड इट्स इंस्टांस टू सर्व इट्स नेशनल इंटरेस्ट मतलब हमको इसने एक तरह का स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी दिया कि हम किसी मामले पर किसी तरफ जा सकते हैं वेस्ट की तरफ किसी पे ईस्ट की तरफ इंडिया अभी भी वो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी इंजॉय कर रही है रूस यूक्रेन वॉर पे वो कई बार रूस के साथ दिखती है कई बार रूस के अगेंस्ट दिखती है और कई बार वेस्टर्न खेमे में दिखती है तो कई बार रूस के खेमे में विच कमिटी वॉज क्रिएटेड इन नाइनटीन फिफ्टी फॉर फाइनेंशियल मैटर तो ये तो आसान हो सकता है फैंसल मैटर कमेटी इसमें केवल इस्टीमेट कमिटी ही है द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स तो पी बहुत पहले ही बन चुकी थी उन्नीस सौ में ही अंग्रेज के टाइम में पब्लिक अंडरटेकिंग फाइनेंशियल कमेटी नहीं है और कमेटी उन पेटिजन को बिल्कुल नहीं है इस्टीमेट कमेटी के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसमें थर्टी मेंबर होते हैं और सभी के सभी लोकसभा से होते हैं इसमें कोई राज्यसभा के मेंबर नहीं है और ये लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है 104 नंबर देखिए स्टेट सेल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडो देम विद सच पावर एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट ये आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है और ये डीपीएसपी पार्ट फोर में नहीं था अगेन ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो इन्होंने बहुत रहम किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन जो है वो खासे इसमें आसान है Which ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स gave द idea दैट हॉब्स ट्रीट द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिक्स एज एन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन dilemma involving फ्रीडम एंड सिक्योरिटी अब ये fortunately कि नेट पे इसका जवाब जो है के मिनागो है अब इस टाइप की तो अदरवाइज तो इसको मैं खोज भी नहीं पाता कि क्या है इनके बारे में जो है थोड़ा सा मैंने जब देखा तो उन्होंने एक बहुत अच्छा बुक लिखा है द लिबरल माइंड 1963 के मिनागो और ये एल में पढ़ाते भी थे हु रोड द बुक इक्वालिटी अब ये तो बहुत मुश्किल हो सकता है लेकिन इसके थिंकर बहुत फेमस है आर एच टवानी एक हिस्टोरियन उन्होंने बुक लिखा है इक्वालिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक Who among the following is associated with the Iron Law of Oligarchy? टवानी को एक और बुक के लिए आपको जाना चाहिए जो जो सबसे फेमस उनकी बुक है है का मतलब होता है जो धन संपत्ति अर्जित करने में विश्वास रखते हैं मेटेरियल इंडिविजुअलिज्म का समाज जो होता है आयरन अगेन ये सब लड्डू क्वेश्चन है रॉबर्ट माइकल आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्ची मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितना भी डेमोक्रेटिक रूप में शुरुआत क्यों ना हो अल्टीमेटली वो ऑलिगार्ची बदल जाती है मतलब कुछ लोग उसको शासन करने लगते हैं पोस्ट बिहेवियरलिज्म 106 106 पढ़ रहा हूं पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्रिटिसाइज द बिहेवियरलिज्म बिकॉज ऑफ इट्स ये भी सबसे बड़ा स्टेटमेंट सबसे सही स्टेटमेंट जो मैं फॉर्मुला बताता हूं एक्सेसिव रिलायंस ऑन साइंटिफिक प्रोसीजन एट द एक्सपेंस ऑफ रिलिवेंस मतलब इसका कहना था कि नॉट ओनली दिस सभी स्टेटस को मेंटेन करती है ये रिलिवेंस के बजाय जो है वो फैक्ट um, पे और साइंटिफिसिज्म पे ज्यादा भरोसा करती है ये कोशिश करती है वैल्यू फ्री साइंस जो कि हो नहीं सकता है कोई भी सोशल साइंस वैल्यू फ्री तो ऑल द एवर बेटर है हु एमॉन्ग द फॉलोइंग स्कॉलर्स फर्स्ट क्वाइन द टर्म प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट अब ये इतना डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन फॉर्चुनेटली अगेन इसका नेट पे जवाब है रिचर्ड क्रॉसमैन ओके ऑफ कोर्स इंग्लैंड के तभी जो है क्योंकि इंग्लैंड में ही प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम आई थी और चूंकि प्राइम मिनिस्टर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस गवर्नमेंट को ही आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बजाय प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट कहने लगते हो हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ कंट्रीब्यूशन इक्विबरियम तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है चेस्टर बर्नार्ड का है इनका बेसिकली क्या कहना है कंट्रीब्यूशन मतलब इंप्लॉय अपना कितना देता है ऑर्गेनाइजेशन को और ऑर्गेनाइजेशन कितना उसको सेटिस्फेक्शन देता है यदि इसको तराजू में हम रखें एक तरफ कंट्रीब्यूशन दूसरे तरफ जो है वो सेटिस्फैक्शन तो यदि ये दोनों पलरा बराबर है तब तो चलेगा नहीं तो क्या होगा सेटिस्फैक्शन कम है तो छोड़ के भाग जाएगा यदि कंट्रीब्यूशन कम है तो इम्प्लॉय को भगा दिया जाएगा तो ये बैलेंस बना रहना चाहिए मतलब ऑर्गेनाइजेशन शुड वेरी कॉन्शियस कि जो इंप्लॉय हमें कंट्रीब्यूट कर रहा है इन टर्म ऑफ वैल्यू एडिशन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लाइन बॉटम लाइन प्रॉफिट या उसके ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए तो हम उसे जो है कंपनसेशन या उसके जॉब इनरिचमेंट उसके रिकॉग्निशन जिसको कि फेडरिक हर्जबर्ग कहते हैं ना मोटिवेशनल फैक्टर और पैसे इनसे कितना कंपेंसेट करें क्या दोनों लगभग बराबर है दोनों बराबर होना चाहिए हु इज कंसीडर्ड एज द मेन कैरेक्टर ऑफ द बजट प्रोसेस इन इंडिया ये कैसा क्वेश्चन है बताइए ऐसा लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में से कोई कमतर है कोई कमतर है क्या कैसे आप बोलेंगे इसमें मेन एक्टर कौन है यदि कोई बोले फाइनेंस मिनिस्टर तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है प्राइम मिनिस्टर नहीं है पूरा सब कुछ प्राइम मिनिस्टर के सारे पे होता है पार्लियामेंट में सब कुछ बजट चला चलता है पार्लियामेंट के सारे के कुछ नहीं हो सकता है इसको क्या कहा जाए इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर कहा होगा बट आई डोंट नो यहाँ चेस्टर बर्नार्ड की जो बुक है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव वो जरूर याद कर लीजिए नाइनटीन सेमिनल उनकी बुक है इनका जो कॉन्सेप्ट है जोन ऑफ इंडिफरेंस मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसको जरूर पढ़ लीजिए थोड़ा सा हर जगह पूछा जाता है इसके अलावा इनका एक और कॉन्सेप्ट की ऑथॉरिटेटिव कम्युनिकेशन किसको कहते हैं इन्होंने चार पांच कंडीशन बताए हैं वो भी हर एग्जाम में पूछा जाता है इसके अलावा इनका जो ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन है इट इज अ सिस्टम ऑफ कॉन्सियसली कोऑर्डिनेटेड पर्सनल एक्टिविटीज और फोर्सेज ऑफ टू और मोर पर्सन इसको विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल थीम ऑफ लिबरलिज्म फॉर्म अगेन इसको क्या कहा जाए इस टेवे क्वेश्चन को uh, मतलब लिबरलिज्म को मैंने इतना ज्यादा पढ़ा है इतना ज्यादा आपको पढ़ा है लेकिन उसके बाद ही मुझे समझ में आ रहा है कि ये तो चलिए इंटरनेशनल सिस्टम है नार्कि ये नहीं होगा कल्चुरल सिमिलरिटीज नहीं होगा uh, लेकिन इन दोनों में बी और डी में क्या कहेंगे आप द इकोनॉमिक पावर इज द ओनली फॉर्म ऑफ पावर दैट मैटर्स कैन वी से दिस डी है नोसन ऑफ हार्मनी और बैलेंस कंपीटिंग इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट इतना एंड बैलेंस आई डोंट नो इन दोनों में क्या चुनेंगे आप ये हारमनीटर ही बता सकता है आई आई विल नॉट नॉट एम गेसिंग हु डाउन द सेकुलर फाउंडेशन टू द दिटी ऑफ स्टेट ये क्वेश्चन देखिए इन्होंने क्या किया यहां मार्सी मार्सिगिलो लिखा है ये इनका मिस प्रिंटिंग है मुझे लगता है ये लिखना चाहते हैं मार्सिलो और इनका पूरा नाम है मार्सिलस ऑफ पैडुआ बेसिकली मेडिवल टाइम में इन सब के बदले जो है मार्सिलस ऑफ पैडुआ जो है ही इज नोन फॉर आर्गुइंग फॉर सेकुलर स्टेट मतलब अब वो सेकुलरिज्म उस टाइप की तो नहीं थी जो कि अभी हम देखते हैं लेकिन ही वॉज द फर्स्ट थिंकर इन मेडिवल एरा टू टॉक ऑफ मेनी थिंग जो कि बाद में लोग उसको डिस्कस करते थे जैसे पॉपुलर सॉवरेंटी जो लॉक ने किया रूसो ने किया सेपरेशन ऑफ चर्च इन स्टेट जो मैकवली ने फिर से किया लिमिटेड गवर्नमेंट की बात इंफैसिस ऑन टेम्पोरल वर्ल्ड मतलब कि जो दुनियादारी डे टू डे जो मुंडेन एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट है उसको तो इतने फॉरवर्ड लुकिंग इटली के मार्सिलस ऑफ पाडुआ थे एंड ही इज नोन फॉर इस बुक डिफेंसर पैसिस डिफेंडर ऑफ पीस उस बुक में इन्होंने ये सब बातें कही है सो आई थिंक इट विल बी विथ प्रिंटिंग मार्सिलो यहां चूंकि थॉमस एक्ूनाज है वी मस्ट नो वैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए हुए अमंग द फॉलोइंग अटेम्प्टेड ए डायलॉग और सिंथेसिस बिटवीन एरिस्टोटेलियनिज्म एंड क्रिश्चियनिटी ये जो थिंकर थे ये थॉमस एक्ुनास थे ये भी मेडिवल थिंकर थे 1200-1300 में और ही इज नोन फॉर ए थियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स मतलब धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स जैसे गांधी जी टाइप उन्होंने था ही हैज गिवन फाइव प्रूफ ऑफ गॉड फोर टाइप्स ऑफ लॉ मतलब जो चार लॉ इनके जो आगे भी पूछा गया लॉ, 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 डिवाइन वेरी फेमस बुक सुमा थियोलॉजिका सेमिनल वर्क इनके कई वॉल्यूम है सेंट अगस्टिन यहां दिखते हैं यहां दिखते हैं ही इज अ फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियनिटी के जो कुछ सेंट हैं जो फाउंड करते हैं उसमें अगस्टाइन है ही इज नोन फॉर हिज सेप्ट ऑफ सिटी ऑफ गॉड इस नाम का उन्होंने बुक भी लिखा था सेंट अगस्टाइन ऑफ हिप्पो इनको कहा जाता है हंड्रेड सिक्सटीन देखिए व्हाट इज द प्राइमरी डेफिनेशन ऑफ सॉफ्ट पावर इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल सब लड्डू क्वेश्चन है यदि आप फॉलो करते हैं जोसफ नए का कॉन्सेप्ट सॉफ्ट पावर सॉफ्ट पावर मतलब नॉट हार्ड पावर नॉट मिलिट्री पावर नॉट बॉम्ब गोली की पावर चार्म की पावर कल्चरल चार्म जैसे इंडिया का योगा एंशियन डेमोक्रेसी अमेरिका का फूड हॉलीवुड लाइक दैट सो एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड कोऑप्ट रादर देनर्स अदर कंट्री मतलब आप अपने चार्म से जो है अपने पर्सनैलिटी अपना जो आपका इमेज है उससे अपनी बात मनवा लेते हो विच ऑर्गनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड वेरीफाइंग कंप्लाइंस विथ न्यूक्लियर डिसऑनिटी आई विल गो विथ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आई ए आई ये जो बनी थी 1960s में अभी उसके चीफ राफेल गुरासी हैं ये एटम फॉर पीस जो स्पीच थी ड्वाइट एज की, यूएस प्रेसिडेंट 1950s में उन्होंने कुछ दिया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उसके बाद ये हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए जो पीसफुल यूज ऑफ एटम पे काम करे और आई बनता है

यहाँ पे गैलासियस दिखते हैं जो कि पोप थे पोप गलासियस लेट फिफ्थ टू तो अर्ली सिक्स सेंचुरी ही इज नोन फॉर डॉक्ट्राइन ऑफ टू सोर्ट्स मतलब उनका कहना था कि दो तलवारों से ह्यूमिनिटी गाइडेड होती है एक मतलब स्पिरिचुअल जो जो पोप एंड चर्चडम जिसको रिप्रेजेंट करता है और दूसरा टेम्पोरल जिसको किंग एंड एम्पायर करता है मार्सिलस ऑफ पडुआ पॉपुलर सॉवरेंटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफकोर्स क्या वोट देना फंडामेंटल ड्यूटी है नहीं है जो इलेवन फंडामेंटल ड्यूटी लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इलेवेंथ ऑफकोर्स नाइनटीन टू थाउजेंड टू में एटी सिक्स कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया है उसमें वोट टू इन पब्लिक इलेक्शन नहीं है बाकी ये तीनों है पढ़ लीजिए ग्यारह चाहिए तो ग्यारह में पढ़ लीजिए आर्टिकल फिफ्टी वन ए में लिखा गया है हंड्रेड पंचायती राज फॉर्म ऑफ रूरल गवर्नमेंट वॉज अडोप्टेड फर्स्ट इन विच स्टेट राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश उसको तो आप याद कर सकते हैं 1959 में राजस्थान में नागौर में जो है फर्स्ट uh, टाइम जो है नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का हु सेट दैट चीफ एग्जीक्यूटिव इज ए ट्रबल शूटर सुपरवाइजर एंड प्रोमोटर ऑफ फ्यूचर प्रोग्राम मैं खोज पाया मार्शल डिमॉक सो आरबिट Who denies Berlin's claim that there are two concepts of freedom? We all know Gerard McCullough because he a triadic concept of uh, liberty. He said that instead of dividing into a binary positive versus negative, why not say that an agent A or X is constrained by some entity Y to do or be something, to do something or to become something. जेड तो इस तरीके से भी हम देखें तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों लिबर्टी को हम एक ही तरह से समझ सकते हैं Who that there is no specific minimum development? क्या क्वेश्चन है? कौन सोच सकता है क्या हो सकता है वैसे कई जगह जो है इसका आंसर रॉबर्ट सी स्टोन मिलता है मैं बस यहाँ पे टिक मार रहा हूं आप चेक कर लीजिए कई जगह जो है जराल कैडन मिलता है आई नो When did SAFTA came into existence? एग्जिस्टेंस रटने की बात है फर्स्ट जनवरी 2006. अब इसका क्या मीनिंग है फिर से लॉट आते हैं वही अपने चार लॉ तो द कौन से चार लॉ उन्होंने दिए थे तो इटर्नल नेचुरल ह्यूमन डिवाइन लॉ जो यहाँ पे दिखते हैं इन सब का मैंने यहाँ लिख भी दिया है मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं इस वीडियो को छोटा रखना चाहता हूं लेकिन जरूर एक बार पढ़ लीजिए और यदि जरूरत पड़े तो नेट पर पढ़िए क्योंकि ये एक फ्यूचर में आने वाला क्वेश्चन 122. इक्वालिटी इज ए सेंट्रल टीनेट ऑफ लॉक्स कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी द मोरल फ्रेमवर्क ऑफ लॉक्स कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे भी आप बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें नहीं लेकिन द लॉ ऑफ नेचर नेचुरल राइट ये जो कॉन्सेप्शन ऑफ लिबर्टी है नेचुरल राइट right उसका फाउंडेशन है या लॉ ऑफ नेचर ई विल गो विथ लॉ ऑफ नेचर क्योंकि नेचुरल राइट right ही लॉ ऑफ नेचर से निकलती है और नेचुरल राइट right में ही राइट टू लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी आती है लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर टू बी अ फैक्टर फॉर द डिक्लाइन ऑफ असेंबलीज असेंबलीज मतलब कि लोकसभा राजसभा जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके लिए आप देखोगे तो जो डिसिप्लिन पोलिटिकल पार्टी असेंबली को बिल्कुल हल्का बना देती है क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल मेंबर की अपनी कोई ओपिनियन रही नहीं जाती है आप जरा सोचो कि यदि पांच सौ तैतालीस इंडिपेंडेंट मेंबर लोकसभा में बैठे होते सब अपने अपने विचारों को प्रकट करते तो क्या सुनने को हमें मिलता और कितना वाइब्रेंट हो सकता ऑफकोर्स तो वो अनमैनेजेबल होता लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप पॉलिटिकल पार्टी के डिसिप्लिन सिपाही की तरह बिहेव करते हो तो आप एक मोहरा बनते हो आपका अपने अपनी कोई आवाज नहीं है यदि आप देख रहे हो कि पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं टीवी डिबेट पे या पार्टी के नेता लोकसभा में या राज्यसभा में बोल रहे हैं तो आपको लगेगा कि वो अपनी बात नहीं कह रहे हैं वो तो सिंपली पार्टी के बात को दोहरा रहे हैं जैसे कोई ऑफिसर अपनी बात करता है तो वो असेंबली के जो है एक तरह समझिए कि जो वाइब होती है उसको डिक्लाइन करते हैं इसके अलावा इंटरेस्ट ग्रुप और मीडिया पावर जो है वो भी असेंबली से हट करके जो है वो बातें होती है डिस्कोर्स पैदा होती है और असेंबली की ऑर्गेनाइजनल वीकनेसेस तो है ही बहुत तरीके से तो केवल एक ही बचता है जो कि कोलिशन गवर्नमेंट आई डोंट थिंक के असेंबली uh, के महत्व को घटाती है इनफैक्ट वो बढ़ाती है क्योंकि वहां पे जो है थोड़ी विविधता आ जाती है डाइवर्सिटी ओपिनियन में आती है 127. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द ऑफ इंडिया प्रोविजन है मंडोमस है को है एंड इसके अलावा सर्च्य है और है हैव कॉपस है ये पांच है लेकिन इंटरडिक्शन नहीं है इंटरडिक्शन जो है कानूनी भाषा में पढ़ लीजिएगा वो एक आ, किसी मजिस्ट्रेट को उस तरह के पावर होते हैं कि जहां कानून में कोई राहत सीधे सीधे नहीं लिखा हुआ लेकिन वो राहत दे सकता है इंटरडिक्ट्री ऑर्डर हु एमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द टर्म पॉलियार्ची हम लोग जानते हैं अभी मैंने कहा रॉबर्ट डहल रॉबर्ट डहल पॉलियार्ची कल जाने जाते हैं लिपजैट फिर से मैं बोल रहा हूं कंसोसिएशनलिज्म कल जाने जाते हैं जोसफ सुम पीटर जो है इलिटिस डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि डेमोक्रेसी वाज ए इज ए पॉलिटिकल मेथड जस्ट टू चूज वन इलिट ग्रुप और अदर थ्रू पीरियोडिक इलेक्शन कैरोल पैटमेन जो है ये फेमिनिस्ट हैं ये जानी जाती हैं अपने क्रिटिक ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म इन्होंने जो लिबरलिज्म में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इसको सेक्सुअल या फेटरनल कॉन्ट्रैक्ट करार दिया था वैन When were regional language approved for the recruitment in all India and Central mm -hmm. services? Ah, I don't know. Net पर मिलता है 1967 सिक्सटी सेवन कहीं मिलता है सिक्सटी नाइन इन्होंने तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है तो आपके लिए मैं छोड़ देता हूं वैसे भी इस क्वेश्चन को क्या करना है वेबर्स मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज नॉट सुटेबल फॉर डेवलपिंग कंट्री इट इज प्रोडक्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्री ऐसे कहने वाले एक्चुअली कई लोग हैं जिसमें फ्रेड रिक्स भी आते हैं माइकल क्रोजियर भी आते हैं लेकिन जो नेट पे ज्यादा मिलता है वो रॉबर्ट का मिलता है तो प्रेस्थस के लिए याद कर लीजिए लेकिन क्रोजियर और फ्रेड रिक्स को भी जानिए रिक्स ने तो इसीलिए मॉडल को दरकिनार करते हुए डेवलपिंग कंट्री के लिए इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया है लेकिन यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है नॉट बैड हुजॉक्ट अबाउट कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी बी ऑल नो माइकल वॉल्जर जिन्होंने बुक लिखा इस फेयर ऑफ जस्टिस में माइकल वॉल्जर इज वन ऑफ द कम्युनिटेरियन थिंकर लिबरल कम्युनिटेरियन थिंकर अब इसमें वो क्या कहते हैं तो मैं कई बार बता चुका हूं यहां छोड़ रहा हूं हु रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि दुनिया में एक जो सबॉर्डिनेट है उसका दुनिया में केवल एक बॉस है दो बॉस नहीं है लेकिन इसमें से आप देखेंगे तो फेडरिक टेलर ने जो अपने फंक्शनल फॉर्मेन का कॉन्सेप्ट दिया था कि दो टाइप के फॉर्मेन होंगे प्लानिंग फॉर्मेन और एक्सक्लूसन फॉरबिन वो सीधा सीधा यूनिटी ऑफ कमांड को काट देता है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर पार्ट ऑफ व्हाट प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का पार्ट है वही तो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको कि हर्बर्ट साइमन मिथ और प्रिवर्क के प्रोवर्क कह के जो है काटते हैं What does the term negative peace refer in the context of international relation? Negative or positive peace का concept जो है जोहान गालचुंग ने दिया था अपने बुक Peace by Peaceful Means में negative peace वो कहते हैं कि simply यदि war नहीं हो रहा है तो negative peace है जान माल की हानि नहीं हो रही है कोई तलवार नहीं चल रही bomb नहीं चल रहा तो negative peace है मतलब that peace is just कि कुछ नहीं हो रहा लोग कम से कम जिंदा हैं जैसे अभी आप देखोगे कि यूक्रेन रसिया में निगेटिव पीस भी नहीं है गजा में निगेटिव पीस भी नहीं है लेकिन पॉजिटिव पीस बहुत बड़ा मसला है पॉजिटिव पीस वहाँ है जहाँ पे कि लोग जिसको कहते हैं कि अपनी लाइफ में जो पोटेंशियलिटी है उसको अचीव करने के लिए वो इन्वयरमेंट है जिसको फ्रीडम आप कह सकते हो फ्रीडम मार्केट एक्सेस की है सोशल रिकॉग्निशन की है एजुकेशन की है हेल्थ केयर की है समाज में जो है वो मुहैया कराया जा रहा है वो स्थिति जैसे औरत मर्द के बीच में भी इक्वालिटी है औरतें भी निकल पा रही हैं सभी लोग एजुकेशन हेल्थ केयर ले पा रहे हैं और सब अपने अपने तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी स्टेटस के साथ लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइप का जो स्ट्रक्चरल पीस जो पीस मतलब पॉजिटिव है जो पीस लोगों को हैप्पीनेस और फ्लोरिसमेंट की तरफ ले जाता है वो पॉजिटिव पीस है बहुत बड़ी बात सो इट इज ए पीरियड वेन वॉर इज नाइदर इमिनेंट नॉर एक्चुअली बींग फॉट ऑल दो द फोर्सेज दैट गिव राइज टू वॉर रिमेन इन प्लेस तो उस टाइप का जो सिचुएशन है वो निगेटिव पीस है द टर्म मूचुअली एस्योर डिस्ट्रक्शन तो कितनी बार पूछा गया यह आसान क्वेश्चन है मैड ये न्यूक्लियर विपन के केस में है कि तुम मुझपिक बरसाव में तुम पे दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे तो मूचुअली एस्योर डिस्ट्रक्शन नो बडी इज गोइंग टू विन द न्यूक्लियर वॉर तो ये न्यूक्लियर डिटरेंस है इसीलिए थ वॉल्ज कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन जितना ज्यादा होगा उतना ही वॉर कम होगा क्योंकि दो न्यूक्लियर वेपनाइज स्टेट आपस में वॉर कर ही नहीं सकते हैं डेआरची वॉज इंट्रोड्यूस बाय विच एक्ट इन द प्रोविंस पहले समझिए डेआरची क्या है डे वाज वॉज ए गवर्नमेंट ड्यूरिंग द कोलोनियल पीरियड जिसमें कि प्रोविंसेज में पहले आया नाइनटीन में फिर सेंटर में आया में प्रोविंसेस में क्या किए गए कि कुछ जो सब्जेक्ट थे वो मिनिस्टर ऐसे मिनिस्टर देखते थे जो पॉपुलरली इलेक्टेड होते थे आजकल होता है और कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो कि नॉमिनेटेड वाईसराय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर होते थे समझिए ऑफिसर वो देखते थे ऑफ कोर्स बहुत हल्के मिनिस्ट्री जो है वो पॉपुलर मिनिस्टर को दिए गए थे कॉल डे आर ची और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन से लाया गया था प्रोविंस में और सेंट्रल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइन्टीन से इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि नाइन्टीन थर्टी फाइव में डेआरची स्टेट में खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया क्योंकि स्टेट को ऑटोनॉमी दे दी गई थी तो अब तो वहां पर कोई इस तरह की डुअल गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं थी द वर्ल्ड सोशलिस्ट और सेकुलर किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया इस बहुत ही आसान क्वेश्चन है फोर्टी सेकेंड अगेन दूसरी बार आ रहा है लड्डू क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द मार्क्सिस्ट अप्रोच टू कंपरेटिव पॉलिटिक्स अगेन वेरी वेग क्वेश्चन लेकिन फिर भी इसमें कॉन्सेप्चुअल स्टेबिलिटी इंटीग्रेटेड मेथोलॉजी और होलिस्टिक नेचर कल्चरली स्टेबल अप्रोच ये स्टेबिलिटी दे करके इन्होंने कि कल्चरली एक स्टेबल अप्रोच है इन्होंने आपको क्लू दे दिया है क्योंकि मार्क्सिस्ट हमेशा प्रो चेंज है नो स्टेटस स्टेटसट और कल्चरली जो है वो चेंज की तरफ जाता है इसलिए स्टेबल अप्रोच इसमें नहीं होगा इसको पढ़ लीजिएगा इस लॉजिक को 141 देखिए इन ए पॉलिटिकल सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन एक्सेस causes overloading of the system. System आपको पता है ये है सिस्टम इंटर रिलेटेड पार्ट जिसमें कि इनपुट होती है ये प्रोसेस होते हैं आउटपुट निकलते हैं और फीडबैक लूप होता है तो इसमें जो है इनपुट जो है डिमांड और सपोर्ट होते हैं तो डिमांड यदि बहुत ज़्यादा हो जाए किसी भी सिस्टम में तो उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी जो है लिमिटेड हो जाती है और वो ओवरलोड कर देता है सिस्टम को द टर्म कैबिनेट किस आर्टिकल में मैंशन है वो आर्टिकल है थ्री फिफ्टी टू यह बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन हो गया है एक ही जगह मेंशंड है कैबिनेट नाम का वर्ड और वो इसलिए लिखा गया है कि कैबिनेट की राइटिंग में जो है वो चाहिए होती है नेशनल इमरजेंसी के लिए अब फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट में यह वर्ड इंजर्ट कर दिया गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑल द मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ द फेडरलेशर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ये वो सारे कंट्री हैं जिसमें कि ब्रिटेन के राजा या रानी को ही मोनार्क माना जाता है ऐसे पंद्रह कंट्री हैं जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा न्यूजीलैंड सभी हैं और बहुत सारे कैरेबियन कंट्री भी तो उसमें जो अपर हाउस होता है वो सब नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं गवर्नर जनरल के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव यूके के मोनार्क के होते हैं विच कंट्री विदड्रू इट्स मेंबरशि फ्रॉम ओपे इन नाइनटीन ट्वेंटी ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ये एक क्विज का क्वेश्चन है अंगोला ने विद्रॉ किया ओपेक मतलब ऑर्गनाइजन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री जिसकी हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया वियना में है और उसमें अंगोला ने अपने को हटा लिया hmm. था हु क्वाइंट दैट वर्ल्ड स्मार्ट पावर अभी हम लोगों ने सॉफ्ट पावर देखा जोसफ ने कहते हैं कि हार्ड और सॉफ्ट पावर का जो एक जुडिशियस कंबिनेशन है दैट इज कॉल्ड स्मार्ट पावर जोसफ ने 144. The rule of the rule through proper channel is related directly with through proper channel. जब भी आप कहते हो तो आप कहते हो हिरार्की फॉलो करो मतलब मेरे पास सीधे में ताओ मेरे सबordinates उसके सबordinates उसके through हो तो इसका मतलब हिरार्की को दर्शाता है। 145. In an organization, morale is the general attitude of employee employers. अच्छा, employer, not employee. इम्प्लॉय विच स्कॉलर सेट मोरल इज ए मेंटल स्टेट विच डिपेंड्स ऑन मेंटल फैक्टर्स लाइक इंथ्यूजिजम इमोशन होप एंड फेथ इस टाइप क्वेश्चन वो क्या कहेंगे लेकिन कई जगह नेट पे है एडविन सी देविस जैसानीजिए Uh, ये मनरेगा पार्क एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है एमपी का मैं छोड़ रहा हूँ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूसो रूसो बिलीव दैट टू रिनाउंस लिबर्टी इज टू रिनाउंस बीइंग ए मैन कोर्स लिबर्टी को वो इतना वैल्यू देते थे तो कह सकते हैं यस फ्रीडम फॉर रूसो वॉज मोरल सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑन द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्सरसाइज इज ऑटोनॉमी ऑफ कोर्स यही उनका ये कहना था कि जब हम जनरल विल से जो लॉ निकलती है उसको जब फॉलो करते हैं तो हम अपने हायर विल को फॉलो करते हैं और मॉरल फ्रीडम अटेन करते हैं इसी टाइप की बात तो दोनों जो है करेक्ट है उसका क्या मीनिंग होता है एड मतलब टू to, या टू वर्ड होता है एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैनेज करना टू मैनेज होता है तो टू सरपंच मैं छोड़ रहा हूं मध्य प्रदेश कम लास्ट क्वेश्चन देखिए कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड and accurately repeating ideas that are reinforced by feedback and motivate actions to achieve organizational goal kar isko another wg scott i'm sure captain kabin sunani you can a terry can Franklin frank can Allen alenka आई डोंट नो कहां से ये निकालते हैं और क्यों इस टाइप के क्वेश्चन निकालते हैं इसका एक ही हो सकता है कि बहुत पॉपुलेशन है तो हम आपको जस्ट छांटना चाहते हैं आप भी उसी तरीके से इसको लीजिए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए डोंट ट्राई टू प्रिपेयर फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन को प्रिपेयर करने का मतलब है गड्ढे में फंसना आप क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए ऐसे जो इसमें हैं करीब सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन जो कि टैकल किए जाने लायक हैं वैसे क्वेश्चन की तैयारी कीजिए मीन्स पिच कैसा भी हो क्रिकेट के लैंग्वेज में मैं कह रहा हूं पिच कैसा भी हो ऑलवेज प्रैक्टिस दैट देयर इज स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड पिच एंड बॉलर जो कभी हाफ बॉली देगा कभी गुड लेंथ देगा कभी बाउंसर देगा डोंट थिंक कि मैं अनप्रिपेयर डॉक्टर्ड पिच के लिए तैयारी करूंगा आप केवल चोटिल हो सकते हैं नेट पे भी घायल हो सकते हैं मैच खेलने से पहले ही आप बाहर हो जाएंगे ओके डियर स्टूडेंट कई स्टूडेंट ने कहा कि सर इसमें कट ऑफ बताइए मैं केवल कह सकता हूं लो इसके अलावा कहना बहुत मुश्किल है कि कितना जाएगा क्योंकि मेरे पास में डेटा नहीं है कि इसके पिछले पांच सालों में क्या कट ऑफ गया यदि ये डेटा होती तो मैं बता सकता पिछले पांच साल के क्वेश्चन को देख करके इसलिए ये कहना तो बहुत मुश्किल है कितना बट जितना आप सोच रहे हो उससे कम जाएगी सो डोंट वरी स्टूडेंट आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा मुझे तो बहुत मजा आया ऑफ कोर्स उसको तैयारी करने में मुझे काफी टाइम लगा क्योंकि इस पे मुझे हर दूसरे क्वेश्चन पे मुझे नेट पे रिसर्च करनी होती थी तो मैं परेशान हो गया था आप सोच सकते हैं कि मैं इतना ज्यादा मैं पढ़ाई करता हूँ मतलब तो कितने हजार क्वेश्चन मैंने एनालाइज किए होंगे उसके बाद भी इतने उठपटान क्वेश्चन दिखे तो जो स्टूडेंट होंगे उनकी प्लाइट में समझ सकता हूँ लेकिन डोंट वरी स्टूडेंट नेवर वरी क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में कट ऑफ बहुत लो जाता है आपके गट फीलिंग से काफी सारे क्वेश्चन आप कर देते हैं और कई क्वेश्चन आपने देखा कि बहुत आसान थे मीडियम लेवल के थे जैसे सेवेंटी फाइव यदि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट जो बहुत अच्छा पढ़ाई करता है तो 75 में से यदि वो 40 ले आता है तो वो कंप्लीट कर जाएगा और इतना इसमें लाया जा सकता है बाकी 35 को आप छोड़ भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन उसमें भी गेस करके आप 10-15 क्वेश्चन ला सकते हो चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और मैं जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूं कि यदि आप जानना चाहते हैं कि अभी कौन से बैच चल रहे हैं तो एक बैच अभी चल रहा है जो बहुत मजेदार डिस्कशन हो रही है उसमें फाउंडेशनल क्लासेस मैं खुद ले रहा हूँ और वो है तो वैसे सी यू टी पी जी के लिए लेकिन वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यदि आप उसका पार्ट बनना चाहते हो जो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए शुरू हुए तो अपना नेम टेलीग्राम आईडी मोबाइल नंबर पॉल साइंस हेल्प एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम पर आगे आपको गाइड की जाएगी इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हो बहुत जल्द मैं दो वीडियो लेके आऊँगा एक इसका पार्ट टू और एक आरपीएससी पेपर टू का पार्ट टू वो भी पेंडिंग है मैं थोड़ा उस पर ध्यान दूंगा मे भी अगले एक वीक में ये दोनों वीडियो आएगी तब तक के लिए हैव बेस्ट ऑफ टाइम टेक केयर बाय